प्रभु रख दंगालो हेलो 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 थोड़ी आवाज और बढ़ा दो उसको हेलो बढ़ाओ हेलो प्रभु रखो दंगल में हेलो हेलो हले 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 रहूं
आदरणीय जनता जनार्दन एवं जितने भी रसिया प्रेमी दूर दूर से पधारे हैं और इस दंगल को आयोजित कराने वाली परम वंदनीय सम्मानी कमेटी और जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर मंचासीन बैठे हैं और सामने वाले अखाड़े में जितने भी मुझसे बड़े हैं, सर्वप्रथम इस गांव की पावन भूमि को बार बार प्रणाम करते हुए नमन करते हुए और जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग पधारे हैं उन सभी के चरणों में बार बार नमन वंदन करते हुए मैं स्वर्गीय श्री लाला चंदोमल जी की तरफ से आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन स्वागत करता हूँ। ये रसियों का कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है जिसमें रसियाबाजी का बड़ा ही दिग्गज अखाड़ा परमादनी गुरु किशन शर्मा खिचुआटे वाले नयागंज हाथरस और इसमें एक मामूली सा एक छोटा सा अखाड़ा स्वर्गीय श्री लाला चंदोमल विप्र अखाड़ा परमादनी गुरु रामवीर जी के हम छोटे छोटे बच्चे हैं, शिष्य हैं, बस सीखने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी रात्रि में बस आप लोगों को ये देखना है इन छोटे छोटे बच्चों ने क्या गाया, उसका बड़े भैया मुकेश जी ने और गुरु किशन शर्मा जी ने क्या जवाब दिया और उधर से ये लोग क्या गाएंगे उसका हम लोग क्या जवाब देंगे। आपको पूरी रात्रि में बस यही देखना है, सुबह जो भी हर जीत का फैसला होगा वो सुरुधार होगा। सबसे पहले एक छंद होगा, छंद के बाद एक टुकड़ा, एक मनोरंजन की चीज और एक अच्छी चीज, सभी चीज का समावेश होना चाहिए और छंद भी कहीं से भी हो जनता को आनंद आना चाहिए, चाहे रामायण से हो, महाभारत से हो, कहीं से हो, जनता का भरपूर मनोरंजन होना चाहिए और जो भी चीजें होंगी वो बिल्कुल नहीं होंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब आपका आदेश सिरोधार होगा। वैसे रसियों में जब तक पहर नहीं होती है तब तक आनंद नहीं आता है, लेकिन आपने जो आदेश कर दिया, आपकी कमेटी ने जो आदेश कर दिया है वो आदेश हम दोनों ही पार्टियों को सिरोधार, आप चिंता ना करें। कोशिश मेरी ओर से ऐसी होगी क्योंकि बिना गुरु की अनुपस्थिति में ये दंगल हो रहा है। आज मेरे गुरु मेरे साथ नहीं है और आपको भी पता है शाम को जब 5:30 बजे मेरी और आपसे बात हो रही थी तो मेरी भी तबीयत इतनी खराब थी, मैं 2 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट था, आने की स्थिति में नहीं था, लेकिन डॉक्टर साहब का प्यार और आप लोगों का आशीर्वाद मुझे यहाँ पर खींच करके लाया है। तो कोशिश ये करूंगा कि ये दंगल एक ऐतिहासिक दंगल बन करके जाए जो बढ़ाना के अंदर कोई दंगल हुआ था। आइए 2 शब्द आदरणीय गुरु के लिए, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत। आदरणीय गुरु किशन शर्मा जी, बच्चा हूं आपका, कलम हाथ में ले लीजिए, एक छंद गाने के लिए जा रहा हूं, बहुत ही सुंदर सा और एक साफ सुथरा छंद होगा मेरी ओर से। विजय भाई कि आज रसिया होंगे और यहां रस भरे, और यहां रसिया होंगे और कोई रस भरे, और कोई छाई
क्योंकि शरद पूर्णिमा का पावन त्योहार है और शरद पूर्णिमा में जब महाराज का आयोजन हुआ तो भोले बाबा और गौरा मैया दोनों महाराज के लिए जा रहे हैं, वहीं से मेरे छंद की शुरुआत है। आइए देखिएगा कि कोई हाथ डगर छलना प्रभो, कोई हाथ डगर छलना प्रभो, वो ना छलिए खोले माथ, अरे साथ अगर चलना प्रभो तो हाँ चलिए भोले। दोहा कह रहा है मेरा हाथ डगर छलना प्रभो। डॉक्टर साहब एक एक लाइन आप नोट करेंगे, हाथ डगर छलना प्रभो, वो ना छलिए खोले मात, और साथ अगर चलना प्रभो तो हाथ छलिए भोले नाथ। कि रहा आस में वो माना है, अरे रहा आस में और वो माना है, कि कोई रहा आस में अरे वो माना है, अरे वो छाप बनाने बन जाओ, और वो छाप बनाने बन जाओ। वनमीस होता है जंगल, कोई वो छाप बनाने बन जाओ। और मुकेश भैया यहीं से देखना है जनता का प्यार कितना मिल रहा है, अरे वो छाप बनाने बन जाओ, अरे महाराष्ट्र में जो जाना है, अरे कोई महाराष्ट्र में जो जाना है तो आप जनाने बन जाओ, महाराष्ट्र में जो जाना है आप जनाने बन जाओ। फिर एक बार दोहरा दे रहा हूं, मेरी झिकड़ी कह रही है रहा आस में वो माना है, वो छाप बनाने बन जाओ, और महाराष्ट्र में जो जाना है तो आप जनाने बन जाओ। कि चलो तर प्रेम रंग में है, कि चलो तर अर्थ आ रहा है मैं ना जाऊं प्रभु का मतलब मैं नहीं जाऊंगी। आइए दूसरा सुनिएगा कि जो भेदों के, कि कोई जो भेदों के मंत्र हाथ में, और कोई जो भेदों के, और कोई जो भेदों के और मंत्र हाथ में, कि कोई जो भेदों के मंत्र
रश रहे, अरे गोपी बन के सच रहे, अरे गोपी मन के साच रहे, अरे वो वेदों के मंत्र साथ में कोई गोपी बन के नाच रहे, वो वेदों के मंत्र साथ में गोपी बन के नाच रहे। कि प्रीत की दिव्य सहु आपृष्टि, अरे हर सिद्ध ही ये कहूँ जो सृष्टि, ऐसो दृष्ट कहूँ जा सृष्टि रे, ऐसो दृष्ट कहूँ जा सृष्टि बिना पाओ प्रभु। जो भेदों के मंत्र हाथ में वो भी मन के सांच रहे, और वो वेदों के मंत्र साथ में गोपी बन के नाच रहे। प्रीत की दिव्य सहु आपृष्टि, हर्षित हिये रहूं पा दृष्टि, और ऐसो दृष्ट कहूं जा सृष्टि मैं ना पाऊं प्रभु। यानी मैं ना पाऊं, यानी मैं ना पाऊं का मतलब होता है मैं का मतलब होता है अंदर, मैं का मतलब होता है अंदर, मैं ना पाऊं प्रभु। आइए एक सुंदर सा टुकड़ा मासा बजाओ, छिप गए सारे नजारे। तेरी ना मारिया और छिप गए सारे नजारे, हो क्या बात हो गई, ये बात हमारी है तुम्हारी हो गई। और छिप गए सारे नजारे, हो क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया दिन मेरा, जरा इधर भी देखो। कायकुंड बाबन के चक्कर में पड़ रही है, वो तो कुछ और ही मामलों दिखाई दे रहा है। भैया तुम क्यों तो दो लाइन कह दूंगा, ये इश्क मोहब्बत बाबा से, कौन से बाबन माऊ देख रही है, नमाऊ के नमाऊ चश्मा भाई नमाऊ
देख बाबा क्या मुस्कुरा रहे हैं, देखियो ना कछुआ लगा ये स्टाइल है बाबा की, कि ये इश्क मोहब्बत बाबा से तेरी धनी प्रीत सी लग रही है, और ये इश्क मोहब्बत बाबा से और तेरी धनी प्रीत सी लग रही है, और देखियो बाबा की स्माइल देखियो अब क्या आनंद लेंगे बाबा, ये इश्क मोहब्बत बाबा से और तेरी धनी प्रीत सी लग रही है, कि कोई इश्क मोहब्बत बाबा से और तेरी धनी प्रीत सी लग रही है, और आनंद आ जाए तो आप सभी का आशीर्वाद, बाबा राम रही मुझसे लग रहे हैं तू हनी प्रीत सी, बाबा राम रही मुझसे लग रहे हैं तू हनी प्रीत सी। लेकिन मुकेश भैया धर्म की जान में पाप की जुबान में, धर्म की जान में पाप की जुबान में, अरे ना जान पाए कोई खास लीला है रही, और ना जान पाए कोई खास लीला है रही, ना जान पाए कोई खास लीला है रही। मोमिन मां साहब धीरे धीरे जरा एक एक अक्षर समझ में आना चाहिए, हम कुछ नहीं जानते बस इतना जानते हैं कि एक एक लाइन समझ में आ जाए, और ना जान पाए कोई खास लीला है रही, सीला की जवानी गई मुन्नी बदनाम भाई, पेपर में फेल है के पास लीला है रही, पेपर में फेल है के पास लीला है रही, पेपर में फेल है के पास लीला है रही। गुरु पहले तो छंद की एक एक लाइन लिखना, उसके बाद जवाब आ सकता है, अब जो मैं चार लाइन गा रहा हूं अगर हो सके उम्मीद करूंगा तो कुछ जवाब आए। अरे सीला की जवानी गई मुन्नी बदनाम भाई, पेपर में फेल है के पास लीला है रही, पेपर में फेल है के पास लीला है रही, पेपर में फेल है के पास लीला है रही। अरे देख ले ओ माजरा छजे ऊपर बाजरा हुआ है, अरे सपना के डांस वाली हास लीला है रही, अरे राम है या कृष्ण है ये भी एक प्रश्न है, अरे राम है या कृष्ण है ये भी एक प्रश्न है, अरे राम लीला देख के मैं रास लीला है रही, राम लीला देख के मैं रास लीला है रही, राम लीला देख के मैं रास लीला है रही। अरे कोई अरे छिप गए सारे छिप गए सारे नजारे, ओए क्या बात हो गई, तूने काजल लगाया तो दिन में रात हो गई। अगर साहित्य की भाषा से देखोगे इस लाइन में भी अतिशयोक्ति अलंकार लगा हुआ है, इस गाने में जिस कवि ने इस गीत को लिखा है बड़ी धूमधाम से लिखा है, इस गीत में अतिशयोक्ति अलंकार लगा हुआ है, अब कहना क्या मेरा, अरे लंबोदर नाम न मेरो तू ज्यादा फेट है गयो, और लंबोदर नाम न ज्यादा देख तू फेट है गयो, लंबोदर नाम न तेरे तू ज्यादा फेट है गयो, अरे लंबोदर नाम न तेरे तू ज्यादा फेट है गयो। और मुकेश भैया जरा इधर देखना जनता क्या कह रही है, लंबोदर नाम न तेरो तू ज्यादा फेट है गयो, तेरी अम्मा के संग दादा मेरो से रहे गयो, तेरी अम्मा के संग दादा मेरो से रहे गयो, तेरी अम्मा के संग दादा मेरो से रहे गयो। अरे लंबोदर नाम न मेरो तू ज्यादा फेट है गयो, और लंबोदर नाम न मेरो तू ज्यादा फेट
अम्मा के संग दादा मेरो से टहे गयो। अरे आगे टटे हैं ना पीछे हटे हैं, अरे आगे टटे हैं ना पीछे हटे हैं, वो नाते भी टूटे नहीं हैं, वो नाते भी टूटे नहीं हैं, वो नाते भी टूटे नहीं हैं। अरे दिल ना पटे हैं ये दोनों सटे हैं, छुड़ाने से छूटे नहीं हैं, छुड़ाने से छूटे नहीं हैं, छुड़ाने से छूटे नहीं हैं। कितनी भी कोशिश कर ली ऐसा चिपक गया, फेविकोल का जोड़ ऐसा लग गया छूट नहीं रहा मामला। अरे आगे टटे हैं ना पीछे हटे हैं, वो नाते भी टूटे नहीं हैं, ना बटे हैं ये दोनों सटे हैं, छुड़ाने से छूटे नहीं हैं। कि मेरी बातों का हल मतलब करना, मेरी बातों का हल मतलब करना, मेरी बातों का हल मतलब करना। और टंबू भैया सुरलिया सज रही है, अरे कोई धाम सुरलिया सज रही है। और आदरणीय मुकेश गुरु, अरे वही शरद पूर्णिमा शुभ रात्रि में कोई श्याम मुरलिया बज रही है, पूर्णिमा शुभ रात्रि में श्याम मुरलिया बज रही है। बरत चूड़मा शुभ रात्रि में धाम सुरलिया सज रही है, और वही शरद पूर्णिमा शुभ रात्रि में श्याम मुरलिया ये सुंदर छठा बहुमा बन मेरे सुंदर। तेज तबहु जा तन में, और हूँ मैना सुता कबहु जा मन में। और कह रही है मैं मैना सुता हूँ लेकिन मैना लाऊं प्रभो, मैं मिस होता है घमंड, मैं कभी इस बात का मैंने घमंड नहीं किया। तीन मैं के अर्थ बता दिए, चौथा और सुनिएगा। खोलो सब यो यहाँ दौर ऐसे, अरे जितनी बार रहा खास हुआ, बोलो कब क्यों कहा और कैसे, कोई कितनी बार महाराज हुआ।
बोलो कब क्यों कहां और कैसे कितनी बार महाराज हुआ कि लाला ने अपनी तिते से थन के अरे पन राम भी रूमी तो ऐसे मन के अरे पन से प्रेम गीत जैसे बन के मन से प्रेम गीत जैसे बन के रे मन से प्रेम गीत जैसे बन के चौथी मैं का अर्थ है तोता मैना मैना गाँव प्रभु। आइए एक सुंदर सा गीत मेरी ओर से देखेंगे मासा फोन बजाओ आए हैरी मजबूत भैया एक रसीले से बाबा हो तो नक मंच पे आ जाओ कहो बाबा नक मंच पे भेजियो भैया मैं ज्यादा नक रसीले से होने का आ जाइए बाबा स्वागत है तो आ जाओ और डिंग डोंग 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 पल है तड़पाए तेरी दो टकिया की नौकरी में मेरा लाखों पसा बन जाए आए आए री मजबूरी ये मौसम और ये दूरी पहले पे कार्यक्रम में कर ले जो जो कार्यक्रम तो बाबा कार्यक्रम में कर भैया दिनेश भाई ओ हो हो हा 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 ला 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 इसका भैया और कितने मौसम बीत गए और कितने मौसम बीत गए लगने लगाए और जिस मौसम में मिले सजनवा वो मौसम कब आए कब आए कब आए और तेरी दो टक्कियां की नौकरी पे मेरा लाखों कसा बन जाए हाय हाय री मजबूरी ये मौसम और ये दूरी लेकिन अपना कहना क्या है सुनेगा कि कोई पहली पहली रात में जे अपने बालम के संग के कोई सजनी सोई से जपे और जा अपने बालम के संग आज सजनी अपने बालम के साथ सेज में सो रही है बेटा सो रही है सजनी तो करके आ रही है अब सुनिएगा मां साहब बालम ने मां
हिस्सा और बालम ने मांगो हिस्सा, बालम ने मांगो हिस्सा, अरे बालम ने मांगो हिस्सा है सुहाग रात को हिस्सा, बालम ने मांगो हिस्सा है सुहाग रात को हिस्सा, अरे बालम ने मांगो हिस्सा है सुहाग रात को किस्सा, अरे पहले तुझे हंस के छेड़ी, पहले तुझे हंस के छेड़ी, अरे जब ही बखत मजा को आयो, अब आप लोगों को आनंद आ जाएगा, है सुहाग रात को किस्सा, पालम ने मांगो हिस्सा, अरे पहले तो हंस के छेड़ी, पहले तुझे हंस के छेड़ी, अरे जब ही बखत मजा को आयो, जब ही बखत मजा को जी आयो, जी धंधो पर गई तेरी, पालम ने मांगो हिस्सा, सुहाग रात को किस्सा, जब ही बखत मजा को आया जो धनो पर गई टेढ़ी टेढ़ी, आइए पहली बात सुनेगा, अरे होले होले हाथ फेरायो तो आंखें मीच गई है, अरे होले होले हाथ फेरायो होले होले हाथ फेरायो तो आंखें मीच गई है, अरे होले फिर आयो तो आंखें मीच गई है, अरे जय सिंह ने कगयो भी तरकू, जय सिंह ने कगयो भी तरकू, जितना की मीच गई है, हाँ गई है, हाँ गई है, अरे हाथन में पर गई है तकड़ी हो, अरे हाथन में पर गई है तकड़ी, पामन पड़ गई बेड़ी, अरे पामन पड़ गई बेड़ी, जैसे ही बखत मजा को आयो जी धंधो पर गई तेरी, बालम ने मांगो हिस्सा ये सुहाग रात को किस्सा, सौरभ भैया भैया आनंद आ रहा नहीं आ रहा है, जरा दोनों हाथ ऊपर खड़े करके बता दो आनंद आ रहा है तो एक बार मुकेश भैया के नाम की जोरदार ताली बजा दें आप लोग, धन्यवाद। आइए दूसरी कहानी सुनिएगा, अरे सिसकारी सी मार के रह गई, सिसकारी सी मार के रह गई, खूब रंगी नारंगी, सिसकारी सी मार के रह गई, और सिसकारी सी मार के रह गई, खूब रंगी नारंगी, संजय चाचा अरे सिसकारी सी मार के रह गई, खूब रंगी नारंगी, अरे एक हाथ में केला ले लो, एक हाथ में केला ले लो, एक में लई नारंगी, नारंगी नारंगी, ओ एक हाथ में केला ले लो, एक हाथ में केला ले लो, एक में लई नारंगी, नारंगी नारंगी, सजनी खेल खेल ना पाई, एक बार से जन पे सजनी जे खेल खेल ना पाई, अरे जा
धन्यवाद आपके लिए। अरे मेल मिलौना है घरवारी ते, मेल मिलौना है घरवारी ते, फूटो भाग्य तुम्हारो। अरे मेल मिलौना है घरवारी ते, अरे मेल मिलौना है घरवारी ते, फूटो भाग्य तुम्हारो। अरे मेल मिलौना है घरवारी ते, फूटो भाग्य तुम्हारो। अरे हाथ में लेके काऊ कोने में, अरे हाथ में लेके काऊ कोने में बैठ के मुट्ठी मारो। हाँ मारो, हाँ मारो, हाथ में लेके काऊ कोने में, हाथ में लेके काऊ कोने में बैठ के मुट्ठी मारो। हाँ मारो, हाँ मारो। मुकेश भैया फूटो है भाग्य तुम्हारो। अरे हाथ में लेके काऊ कोने में, हाथ में लेके काऊ कोने में बैठ के मुट्ठी मारो। हाँ मारो, हाँ मारो। अरे पहली बार में अशगुन है गए, अरे पहली बार में अशगुन है गए, सुहाग रात को किस्सा। क्या बात है तो गाया पहले दैया जी। हाय ओहो सोने चौकिया, रंग ले मेरी अपने रंग में, मिलो ना तुम तो, अरे मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो तो आँख चुराए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। एक गीत की फरमाइश हुई थी, एक अच्छा सा गीत होगा, एक रसिया यानी रसीला गीत होगा। आइए मेरी ओर से एक अच्छा सा गीत सुनाएंगे आप। चाचा जी एक बहुत सुंदर सा गीत सुनाने के लिए जा रहा हूँ आप लोगों की सेवा में। और मिलो ना तुम तो हम घबराए, मिलो जो आँख चुराए, हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया। आपकी जो आपका जो प्रश्न है उसको आप लिख करके दे दीजिए, आपके प्रश्न का निराकरण होगा, उसका उत्तर भी दिया जाएगा, चिंता ना करें। आइए कहना है, तीन पग भूमि क्षेत्र शंकर के तीन नेत्र। सजे चाचा ये गाना जो मैं गाने के लिए जा रहा हूं ये जवाबी कीर्तन का बहुत ही अच्छा गीत है। मुकेश भाई तीन पग भूमि क्षेत्र शंकर के तीन नेत्र, तीन लोग संग धारा पीतर कूले गई, तीन लोग संग धारा पीतर कूले गई, तीन लोग संग धारा पीतर कूले गई। अरे तीन, अरे तीन पग भूमि क्षेत्र शंकर के तीन ने, तीनों लोग संग धारा जी तर कूले गई। तिरंगा के तीन रंग करे तीनों सेना जंग, अरे सोने के मेडल पीतर कूले गई, सोने के मेडल पीतर कूले गई, सोने के मेडल लपी कर खुले। हाजी विजय भैया त्रिशला के तीन मुख भक्षण से पामे सुख, त्रिशला के तीन मुख भक्षण से पामे सुख। अरे भीतर संग श्वास बाज तीतर खुले गई, भीतर संग श्वास बाज भीतर खुले गई, भीतर संग श्वास बाज भीतर खुले गई, अरे भीतर संग श्वास बाज तीतर खुले गई। अरे तीनों धर्म धार पहुंचे अनुसुईया के द्वार पहुंचे, अरे तीनों धर्म धार पहुंचे अनुसुईया के द्वार पहुंचे। और बढ़िया गीत में
आता है पब्लिक आज तालियां बजा करके बताएगी। अरे तीनों धर्म धार पहुंचे अनुसुईया के द्वार पहुंचे तो एक संगत तीनों ने भी तरकू ले गई। एक संगत तीनों ने भी तरकू ले गई। लेकिन अपना कहना क्या है कि कोई मंजिल तक पहुंचे नहीं। वो लटक रहे हैं और जाने कब से आज तक वो लटक रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब कहना क्या अपना सुनेगा। धर्माधिकारी धर्म धुरंधर, धर्माधिकारी धर्म धुरंधर, भय रघुकुल के ही अंदर। बेटा ललित, अरे धर्माधिकारी धर्म धुरंधर, कोई भय रघुकुल के अंदर, कहानी तीन की है। और धर्माधिकारी धर्म धुरंधर, भय रघुकुल के अंदर, कहानी तीन की है। आदरणीय कमेटी वालों से निवेदन करना चाहूंगा, मेरी एक एक लाइन पर गौर करें आप लोग। धर्माधिकारी धर्म धुरंधर, भय रघुकुल के अंदर, कहानी तीन की है। अरे सच्चे योद्धा सूर सिकंदर, सच्चे योद्धा सूर सिकंदर, सच्चे योद्धा सूर सिकंदर, भय रघुकुल के अंदर, कहानी तीन की है। कहानी तीन की है। आशीर्वाद मेरी छोटी बहन काशी सिंह राठौर, केएस म्यूजिक एचडी चैनल फिरोजाबाद वाली आनियन संजय चाचा जी की तरफ से आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप स्वागत करते हैं। पहला भैया आइए, पहली लाइन सुनेगा, आखिरकार कौन कौन तीन हुए सुनेगा। यानी रकुल के ही अंदर के दो परिवार गिराने के लिए जा रहा हूँ, जो रकुल में दो परिवार हुए जिनकी कहानी तीन तीन से मैच करती हुई। पहला भैया सुनेगा। अरे दोनों ओर नाम देखो, अरे दोनों ओर नाम देखो, नामों के पीछे चंद्र जोड़ कर, हाँ जोड़ कर। दोनों ओर नाम देखो, नाम के पीछे चंद्र जोड़ कर, वो कौन कौन से नाम। दोनों ओर नाम देखो, नामों के पीछे चंद्र जोड़ कर, चंद्र जोड़ कर। हरिश्चंद्र राम देखो, हरिश्चंद्र राम देखो, जाना पड़ा राजधानी छोड़ कर, हाँ छोड़ कर। हरिश्चंद्र राम देखो, जाना पड़ा राजधानी छोड़ कर, हाँ छोड़ कर। दोनों ओर नाम देखो, नामों के पीछे चंद्र जोड़कर, उधर भगवान राम के पीछे लिखा हुआ है रामचंद्र, और हरिश्चंद्र के पीछे हरिचंद्र, यानी दोनों को ही अपनी राजधानी छोड़ करके जाना पड़ा। आइए सुनेगा। अरे असुओं से भर गए समंदर, भय रघुकुल के ही अंदर, जुबानी तीन की है, जुबानी तीन की है। आइए दूसरी खासियत सुनेगा चाचा जी। अरे हरिश्चंद्र गमगीन थे, वो गमगीन थे। हरिश्चंद्र तारा रानी, रोहित के संग वो गमगीन थे, गमगीन थे। डॉक्टर साहब, हरिश्चंद्र तारा रानी, रोहित
मुगीन थे। इधर राम लक्ष्मण सीता, इधर राम लक्ष्मण सीता, गिनती में गिन लो ये भी तीन थे, ये भी तीन थे। इधर राम लक्ष्मण सीता, गिनती में गिन लो ये भी तीन थे, ये भी तीन थे। इस सम्मान के लायक मैं नहीं हूं जो कमेटी मेरा सम्मान कर रही है, क्योंकि मैं तो एक सीखने की कोशिश कर रहा हूं। आज पहली बार ये रस्सियों का दंगल में गा रहा हूं। मैं चाहूंगा एक बार कमेटी के लिए भी जोरदार तालियां बजा दें आप। और ओ श्री राम लक्ष्मण सीता, गिनती में गिन लो ये भी तीन थे, ये भी तीन थे। अब सत्य वचन के भाव मनंदर, सत्य वचन के भाव मनंदर, होए रघुकुल के अंदर कहानी तीन की है। आइए तीसरी पंक्ति सुनिएगा। दोनों परिवारों में खासियत क्या चल रही है? दोनों ही रघुकुल के परिवार हैं और दोनों में खासियत क्या चल रही है सुनेगा। अरे तारा और रोहित बिछड़े, तारा और रोहित बिछड़े, आत्मा हरिश्चंद्र की मजबूर थी, हाँ मजबूर थी। रोहित और तारा बिछड़े, आत्मा हरिश्चंद्र की मजबूर थी, वो मजबूर थी। उधर तारा और रोहित बिछड़ गए, लेकिन इधर उधर राम और सीता से, उधर राम और लक्ष्मण से बिछड़ के वो सीता हो गई दूर थी, देखो दूर थी। उधर राम लक्ष्मण से, उधर राम लक्ष्मण से बिछड़ के सीता हुई वो देखो दूर थी, आज दूर। जब सीता जी बिछड़ गई तब काम आए तब भालू बंदर, काम आए तब भालू बंदर, भय रघुकुल के ही अंदर कहानी तीन की है, कहानी तीन की है। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छा और दिग्गज अखाड़ा सामने लगा हुआ है। जिस तरीके से मैंने छंद को गाया, एक एक लाइन समझा करके मैंने गाया, जहां जहां ये छंद बना हुआ है उसी तरीके से छंद की पुनरावृत्ति उधर से होगी। और जिस तरीके से मैं इस गीत को गा करके जा रहा हूं, मैंने दो रघुकुल के परिवार लिए हैं, उम्मीद करूंगा उधर से दो ही रघुकुल के परिवार आएंगे और मेरी कहानी से अलग आएंगे। लोग कुछ लोग कहते हैं कि सीता जी मैया गई तो लवकुश चले गए पीछे पीछे, वो कहानी तीन की। कछु लोग न जाने काका कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। श्रवण कुमार के साथ उनके माता पिता थे, वो भी तीन थे। लेकिन सुनिए अंतिम पंक्ति कह रहा हूं। अरे धर्म की ध्वजा लहराई, धर्म की ध्वजा लहराई, राजा रघु के खानदान की, खानदान की। ओ धर्म की ध्वजा लहराई, राजा रघु के खानदान की, खानदान की। धर्म की ध्वजा लहराई, राजा रघु के खानदान की, खानदान की। लक्ष्मण उधर में रोए, लक्ष्मण